क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई भी रियलिटी शो की शुरुआत हो और उसमें कंट्रोवर्सी ना हो? बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हो चुका है इंडियन आइडल के आने वाले सीजन 15 में, और लोग इतना ज्यादा नफरत कर चुके हैं एक जज को, मतलब एज ए जज जो जज करता है कंटेस्टेंट को, इतनी ज्यादा नफरत क्यों? और वो भी है बादशाह। आप सबको पता होगा कि इस बार बादशाह एक नए जज के रूप में आ रहे हैं, और इतनी ज्यादा नफरत लोग क्यों कर रहे हैं, इसकी पूरी कहानी क्या है डिटेल में आपको बताता हूँ। दरअसल आप सबको पता है कि बादशाह का जो म्यूजिक लेवल है वो रैप यानी पॉप म्यूजिक है, और बादशाह खुद इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि वो अपनी सिंगिंग में, गाने में ऑटो ट्यून का इस्तेमाल भर भर कर करते हैं। अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं तो आप इस बात को भी जानते होंगे अच्छे से। अब बस यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि जब बादशाह एक पॉप सिंगिंग और रैप म्यूजिक लेवल का सिंगर है तो वो इंडियन आइडल में क्या कर रहा है? क्योंकि इंडियन आइडल अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्लासिकल सिंगिंग को ज्यादा ही अहमियत दी जाती है, और क्लासिकल सिंगिंग में जब कंटेस्टेंट आएंगे तो बादशाह उस बात पे क्या जज कर पाएंगे? मेरे कहने के मतलब है कि जिस आदमी ने कभी क्लासिकल सिंगिंग का कुछ रियाज वगैरह तक नहीं किया होगा वो कैसे जज करेगा कंटेस्टेंट को क्लासिकल सिंगिंग में? शायद इस बात से लोग और भी ज्यादा हेट कर रहे हैं बादशाह को, और डिमांड कर रहे हैं कि बादशाह को बेहतर होगा कि जल्द से जल्द उसकी जगह कोई क्लासिकल सिंगर अगर आ जाए प्लेबैक सिंगर जज के तौर पर तो ज्यादा बेहतर होगा। शायद मेरे हिसाब से, मैं भी इस बात को एडमिट करता हूँ कि ऐसा जो ऑडियंस अगर कर रही तो मेरे हिसाब से ये ठीक ही है, मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ। लेकिन हो सकता है कि कुछ नया करने की कोशिश हो रही हो इस बार, क्योंकि इस बार हो सकता है कि पॉप म्यूजिक का ज़्यादा थोड़ा अहमियत दिया जाए, क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग कुछ ज़्यादा ही होती थी, तो हो सकता है कुछ नयापन सोनी लाने की कोशिश कर रहा होगा। और जो भी हो यार, देखते हैं बादशाह का क्या रिएक्शन होगा, किस तरह से हमको क्या है, कोई हमारा वो नहीं है कि हम शो देखना बंद कर देंगे, हम एंजॉय करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक म्यूजिक लवर जो होता है शायद उसको ये बात दिल पे लगती है, जो उस पे ज्यादा ध्यान देता है। फिलहाल आपकी क्या है राय इसके बारे में? क्या आप चाहते हैं कि बादशाह को बने रहना चाहिए, या मैंने जो पॉइंट बताया उस बात को आप भी एग्री करते हैं? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।